आज हम बनाएंगे कोट पाये का सूप, जो बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी बनता है, और सर्दियों के सीजन में खासकर इसे बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेंगी। इसके बनाने के लिए हमें चाहिए पाये, आधा किलो पाये लिए हूँ मैंने। इसी के साथ हम लेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट लेंगे, 1 प्याज को हम थिन स्लाइसेस में कट करेंगे, इसी के साथ हम नमक लेंगे। पाये का सूप बनाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले कुकर में पाये अच्छे से धोकर डालेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें प्याज, अदरक लहसुन की पेस्ट और नमक, हल्दी, इन सारी चीजों को डालेंगे और इन्हें बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और आधा से पौना ग्लास हम पानी डालेंगे। सूप अच्छे से तैयार होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसे प्रेशर कुकर में बहुत ही अच्छे से इन पायों को पकाएं। तो इसके लिए हम 3 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर पाये को पकाएंगे, और 3 विसल आने के बाद फ्लेम को हम लो करेंगे और उसे फिर आधा से पौना घंटे तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे पाये हमारे पके हैं या नहीं। ज़्यादातर पाये जो है आधा से पौना घंटा लो फ्लेम पर पकाने पर पक जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जो पाये जो है वो बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अब इनके थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूंगी और इन्हें दबाकर इस तरह से चेक करूंगी क्या ये सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आसानी से टूट रहे हैं। तो हमारे पाये जो है बहुत ही सॉफ्ट और आसानी से टूट गए, यानी कि हमारे पाये जो है वो बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। इन्हें और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा टेस्टी पाये का सूप तैयार है। अब हम इसे गार्निश करेंगे काली मिर्च पाउडर के साथ, और इस डिश को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।